सुल्तानपुर में 7 मई ललितपुर और चंदौली में हुई बलात्कार की घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि ललितपुर में एक गैंगरेप के शिकार किशोरी जब थाने में न्याय मांगने गई तो थाने में दरोगा ने न्याय के बजाय पीड़ित के साथ दोबारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। वहीं चंदौली में घर में घुसकर पुलिसकर्मियों ने 2 बेटियों को बुरी तरह मारा पीटा जिससे उनकी मौत हो गई। यह आपराधिक घटना कारित करने वाले पुलिसकर्मी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी के नव नियुक्त जिला प्रभारी महमूद खान ने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली योगी सरकार की पुलिस बेलगाम हो गई है। योगी जी अबलाओं पर हो रहे जुल्म पर खामोश साधे हैं। जिस पर कानून की रखवाली की जिम्मेदारी है वही बलात्कार कर रहे हैं और बेटियों के घर में घुस कर पीट रहे हैं जिससे मौत हो जा रही है। पार्टी के प्रदेश सचिव अजीत श्रीवास्तव ने इस घटना की निंदा करते हुए सवाल किया कि कहां है बाबा बुलडोजर, क्या वो सिर्फ जाति धर्म देखकर ही चल रहा है? आरोपी के घर कब बुलडोजर चलेगा? पार्टी इंतजार कर रही है। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शोहरत अली ने कहा कि अगर मामले में बेटियों को न्याय नहीं मिला तो पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र तिवारी, पूर्व प्रदेश सचिव मोहम्मद अख्तर, अरविंद यादव, CYSS वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सौरभ मिश्रा, अशफाक अहमद, डॉक्टर विजय कुमार विश्वकर्मा, सनवर चौधरी, सुरेश गौतम, राकेश सिंह, विजय सिंह, भास्कर देव मिश्रा, अनुज दुबे, विकास तिवारी, शाहिल तिवारी, शिवम पांडे, बबलू प्रदीप सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। घर में कभी पहले गई थी, वहाँ महिलाओं को इतना मारा कि महिला वहाँ पर प्रकरण की जांच के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में CBI जाँच। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा? आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार हर मोर्चे पर विफल है, क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सुल्तानपुर से मोहम्मद रफी की रिपोर्ट।